अब अपने ही बेगाने से लगते हैं, अब अपने ही बेगाने से लगते हैं, चल यार कमाने खाने लगते हैं। अब अपने ही बेगाने से लगते हैं, चल यार कमाने खाने लगते हैं, जमाने का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जमाने का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जख्मों को भरने में बड़े जमाने लगते हैं। आगे कुछ इस तरह से है, अब हंसने लगा है वक्त और कसने लगा है फब्तियाँ, अब हंसने लगा है वक्त और कसने लगा है फब्तियाँ, चल यार अब खुद की औकात बनाने में लगते हैं। कि बड़ी दूर से शहर में कमाने को चला आया हूँ, कि बड़ी दूर से शहर में कमाने को चला आया हूँ, मेरे गांव के शहजादे यहाँ मजदूर पुराने लगते हैं। और कुछ इस तरह से आगे, इस दौर में मिल जाती हैं सबसे वो चिकनी चुपड़ी बातें, इस दौर में मिल जाती हैं सबसे वो चिकनी चुपड़ी बातें, अब कहाँ मेरी दादी के वो किस्से पुराने मिलते हैं। और लास्ट लाइन्स हैं जो मैं विशेष तौर पे किसी के लिए डेडिकेटेड करूँगा। उस एक शख्स ने मुझे आज भी संभाल कर रखा है, वरना ये दुनिया के लोग तो मुझे गिराने में लगते हैं। आगे एक पोएम और है जो मेरी ऑलरेडी एक बुक आ चुकी है मार्केट में आवरण के नाम से, तो ये उस पोएम से एक टाइटल गया था आवरण, जो मैं पेश करूँगा, जो बेसिकली इंसान के दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। कहीं ना कहीं हम एक दोहरे चरित्र में चले जाते हैं, व्यक्तित्व में चले जाते हैं। मैं भी आवरण हूँ ढकोसलों का चंद चौंचलों का, मैं भी आवरण हूँ ढकोसलों का चंद चौंचलों का, कोशिशें हजार करता हूँ हो जाऊँ आईने सा, मगर मैं भी आवरण हूँ कालिखों का जलते मरघटों का। लास्ट चार लाइन्स हैं इसमें, मैं निर्मल बनता भी हूँ इन द्वंद्वों में धसता भी हूँ, मैं निर्मल बनता भी हूँ इन द्वंद्वों में धसता भी हूँ, मैं कुटिल हूँ पर सरल दिखता भी हूँ, हाँ मैं भी आवरण हूँ कुलसित मूल का दुर्गम सी धूल का, ढकोसलों का चंद चौंचलों का। एक कविता और मैं पेश करने जा रहा हूँ, थोड़ा वो दोस्ती और प्यार को परिभाषित करती है। जैसे किसी भी रिश्ते में दो लोग होते हैं तो वो दो लोग एक रिश्ते में कैसे एक दूसरे को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। मेरी नासमझी को वो कब तक समझती, मैं लापरवाह था वो कब तक बकसती। मेरी नासमझी को वो कब तक समझती, मैं लापरवाह था वो कब तक बकसती, वो लड़ती झगड़ती मैं मनाता वो मान जाती, वो करती थी मेरी फिक्र बेशुमार, मगर मैं मांगता रहा उसका प्यार, कुछ ऐसी थी उसकी दोस्ती मेरा प्यार। फिर एक दिन सब रुकसा गया जैसे मैं थमसा गया, जब वो बोली मुझसे साफ साफ, तुमको क्या है मंजूर, मेरी दोस्ती या तुम्हारा प्यार, कुछ ऐसी थी उसकी दोस्ती मेरा प्यार। आगे लास्ट में चार लाइन बोल के मैं ख़त्म करूँगा, उसकी दोस्ती को मैं प्यार समझ बैठा था, क्यों उस पर अपना अधिकार समझ बैठा था, उसकी दोस्ती को मैं प्यार समझ बैठा था क्यों उस पर अपना अधिकार समझ बैठा था, वो थी एक आज़ाद सी चिड़िया, मैं नादा ना समझा उसकी सोच उसके विचार, कुछ ऐसी थी उसकी दोस्ती मेरा प्यार। शुक्रिया दोस्तों।